लेकिन गए थे, आपने डीटीओ से पूछा, डीटीओ गए थे, एडिशनल एसडीओ गए थे दानापुर, और ये लोग वाहन चेक करे, घटना गंभीर है, दोनों जगह स्पॉट चेक करने के वादे बतावेंगे। मंत्री जी गुस्सा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। पत्थरबाजी, महिला अधिकार तो महिला के अधिकारी के लिए भी कानून है, जो उसने किया उस पर कार्रवाई होगी, गंभीर से गंभीर कार्रवाई होगी। बीजेपी कह रही है कि तो जंगल राज हो गया। अच्छा, यूपी में मंगल राज है, यूपी में पुलिस के मौजूदगी में सारा प्रशासन के थाना अपराधी ने मारा, तो वो क्या कहते, उसको क्या कहेंगे? पत्थरबाजी और महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी पर सवालों को टालना चाहते हैं। जांच करेंगे, बताएंगे, आप जाइएगा स्पॉट पर, निरीक्षण कीजिएगा। नहीं, उसी इसीलिए ना कह रहे हैं कि निरीक्षण करने के बाद सब बता में, आप तो बोले जो हम जान रहे बता दिए। हमारे डायरेक्टर गए थे स्पॉट पर, उनसे पूछ लीजिए, सवेर में भी आप लोगों को हमने कहा कि डायरेक्टर से पूछ लीजिए। सवाल पूछा गया कि निरीक्षण करेंगे तो करीब करीब भड़कते नजर आए, लेकिन सामने कैमरा है तो लग रहा है मंत्री जी चाह रहे हैं किसी तरह सवाल खत्म हो। बिहार की राजधानी पटना के बेहटा में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना में जिला के खनन पदाधिकारी और दो अन्य लोग घायल हो गए। महिला अधिकारी को आरोपियों ने घसीटा भी। इस मामले पर हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने बिहार के खनन एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव से बातचीत की, तो देखिए उन्होंने कैसे रिएक्शन दिया। रामानंद यादव खान, भूतत्व मंत्री हमारे साथ है, मौजूद, बात करते हैं। सर, जो घटना घटी है, कितना गंभीर इस घटना को मानते हैं? गंभीर कब मानते हैं घटना को, लेकिन गए थे, आपने डीटीओ से पूछा, डीटीओ गए थे, एडिशनल एसडीओ गए थे दानापुर, और ये लोग वाहन चेक करे, घटना गंभीर है, दोनों जगह स्पॉट चेक करने के वादे बतावेंगे, और ऐसे थाना में FIR हुआ, जितना भी थे घटना में संलिप्तता है सबको गिरफ्तार किया जाएगा। महिला अधिकारी भी थी, उन पर भी पत्थरबाजी। महिला अधिकार तो महिला के अधिकारी के लिए भी कानून है, जो उसने किया उस पर कार्रवाई होगी, गंभीर से गंभीर कार्रवाई होगी। बीजेपी कह रही है कि तो जंगल राज हो गया। अच्छा, यूपी में मंगल राज है, यूपी में पुलिस के मौजूदगी में सारा प्रशासन के थाना अपराधी ने मारा, तो वो क्या कहते, उसको क्या कहेंगे, यही बता दिया जाए, आप ही पत्रकार लोग बताइए। यूपी के घटना के कुछ नहीं, या कुछ हो तो ये जंगल राज हो गया, ऐसी बात नहीं, हम जांच करेंगे, बताएंगे। आप जाइएगा स्पॉट पर, निरीक्षण कीजिएगा। नहीं, उसी इसीलिए ना कह रहे हैं कि निरीक्षण करने के बाद सब बता में, आप तो बोले जो हम जान रहे बता दिए। हमारे डायरेक्टर गए थे स्पॉट पर, उनसे पूछ लीजिए, सवेर में भी आप लोगों को हमने कहा कि डायरेक्टर से पूछ लीजिए। एक आखिरी सवाल, कार्रवाई क्या हो रही है इस पे? गिरफ्तारी हो ना रही है, वहाँ गिरफ्तारी है, कानून के तहत जो धारा लगा उसके तहत गिरफ्तारी हो रही है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो माफिया पर किस तरीके से कार्रवाई करेगा? माफिया पर ना, जो नसलिप्ता जो ढेला मारे, माफिया पकड़ा है, टेरा गाड़ी घोड़ा वाहन सब पर कानूनी कार्रवाई होगी, खान के तहत जो कार्रवाई होती है। बख्शेंगे नहीं उनको, बख्शने के बाद कहाँ है, चाहे जो हो। तो खान भूतत्व मंत्री रामानंद यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो घटना घटी है बेहद गंभीर है, और जो भी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रोहित सिंह, पटना।